अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों इसे मैंने बहुत आसानी से बनाया है, मतलब इसे बनाने के लिए मैंने इसे कद्दूकस नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले गाजर को मैंने वॉश करके इसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। दोस्तों गाजर का हलवा बनाने का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसे कद्दूकस करना, तो मैं इसे चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे कद्दूकस करने के लिए। मैं इस गाजर को चॉपर में ही चॉप करूँगी ताकि ये आसानी से हो जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। चलिए ये देखें, ये बिल्कुल वैसा ही चॉप होगा जैसे हम हाथ से करते हैं, बस हमें मेहनत कम करनी होगी। ये देखें, ये हमारा गाजर कद्दूकस हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बर्तन में मैंने 2 से 3 चम्मच घी लिया है, घी अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें इलायची डाली है, 2 इलायची मैंने डाली है। अब मैं इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो ये दोस्तों हमें दूध को बॉयल करना है, तो चलिए ये देखिए हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ जो गाजर है वो हम ऐड करेंगे। तो ये चलिए मैं इसमें गाजर ऐड कर दे रही हूँ और इसे हमने पकाना है जब तक कि जो मिल्क है वो पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए, रिड्यूस ना हो अच्छी तरीके से। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि ये स्टिक ना हो नीचे से। दोस्तों घी अगर चाहे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसे बीच बीच में मैं हिला भी रही हूँ और ये हमारा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस भी हो रहा है। सो चलिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारा जो मिल्क है वो रिड्यूस हो रहा है, ये ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर शुगर ऐड करेंगे, तो चलिए हम इसमें चीनी डाल देते हैं। और चीनी दोस्तों आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालें, आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड करें, नहीं तो आप कम करें। और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, क्योंकि चीनी वो पानी छोड़ेगी। तो इसे हमने और ड्राई करना है जब ये हमारा हलवा एक साथ सब मिक्स एक साथ हो जाए, यानी कि साइड छोड़ दे, इट मींस कि हलवा रेडी है। तो चलिए हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि ये स्टिक ना करे। और अब देखिए ये ड्राई हो रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने किशमिश, बादाम और काजू ऐड किया है, आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं, इसे जितना भूनेंगे आप ये उतना ही अच्छा होगा। तो इसे थोड़ा भूने ताकि इसका जो स्मेल है गाजर की वो चली जाए। अब हम इसमें खोया ऐड कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ये खोया डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके 2-3 मिनट और इसे भून लेंगे और ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए मैंने इसे सर्व कर लिया। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने गाजर का हलवा बनाया है, बिना मेहनत के ये गाजर का हलवा बहुत ही यमी तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।